subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्जाम टास्क पे। दोस्तों, कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था क्या, हमारा सोनारगढ़ किला। आज हम पढ़ेंगे क्या, रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? रणथंभौर, रणथंभौर दुर्ग। और रणथंभौर दुर्ग कहां पर, कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर। कहां पर? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर की स्थापना किसने की थी? सवाई माधोपुर की स्थापना किसने की थी? माधो सिंह ने। किसने की थी? माधो सिंह ने। ठीक है, ये दुर्ग दो पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। कितनी पहाड़ियों पे? दो पहाड़ियों के बीच। पहली कौन सी है? एक रण, दूसरी थंभ। इन दो पहाड़ियों पर यह दुर्ग बना हुआ है, इस कारण इसका नाम क्या है? रणथंभौर। क्या है? रणथंभौर। इसके अलावा इसका निर्माण भी किसने करवाया था? रणथान चौहान ने करवाया था, वो आपको भी आगे बताएंगे। ठीक है, दोनों पहाड़ियों पर बना हुआ है, रण और थंभ नाम की पहाड़ियां हैं, इसके ऊपर बना स्थित होने के कारण इसका नाम क्या है? रणथंभौर है। श्रेणी की अगर हम बात करें इसकी, अगर इसकी श्रेणी अगर आपको बताई जाए तो इसकी श्रेणी कौन सी होगी दोस्तों? एक तो होगी वन। वन श्रेणी का क्यों है? क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है? रणथंभौर अभ्यारण्य है। क्या है? रणथंभौर अभ्यारण्य है। रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर ये स्थित है। ठीक है, रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर है ना। और इसके अलावा इसकी दूसरी श्रेणी कौन सी होगी? गिरी। कौन सी होगी? गिरी श्रेणी। क्यों होगी? क्योंकि रण और थंभ पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, रण और थंभ पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण इसकी श्रेणी कौन सी हो गई? गिरी। इसके अलावा इसकी श्रेणी होगी एरण। इसके चारों ओर जो इसका रास्ता है इसके ऊपर जाने का, वो कैसा है? कंकरीला और कठिन रास्ता है, दुर्गम है ये जाने के अंदर, इसलिए कौन सी श्रेणी हो गई? एरण श्रेणी। कौन सी हो गई? एरण श्रेणी। तो ये तीनों श्रेणियां हैं इसकी दुर्ग की अलग अलग। एक है वन श्रेणी, दूसरी गिरी, इसके अलावा एरण। तीनों श्रेणियों के अंतर्गत ये दुर्ग आता है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। ये दुर्ग रण एवं थंभ नामक दो पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण, रण एवं थंभ दो पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण इसका नाम रणथंभौर है। रण एवं थंभ पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण इसका नाम रणथंभौर है। ठीक है, श्रेणी लिख लेना वन, गिरी और एरण। निर्माता इसका, ठीक है, अब बात करते हैं इसके निर्माता की। निर्माता कौन था इसका? रणथान चौहान। कौन था? रणथान चौहान। रणथान चौहान ने इसकी इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? नौवीं शताब्दी में। कब करवाया था? नौवीं शताब्दी में। ठीक है, निर्माता कौन था? रणथान चौहान, और नौवीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ये लिख लो। इसके अलावा इसका प्रमुख प्रवेश द्वार लिखो, प्रमुख प्रवेश द्वार। प्रमुख प्रवेश द्वार कौन सा है? नौलखा दरवाजा। कौन सा? नौलखा दरवाजा। ठीक है, ये सर क्या है? प्रमुख प्रवेश द्वार है। यहां तक लिख लो। निर्माता कौन है? रणथान चौहान। नौवीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, है ना, नौवीं शताब्दी। और प्रमुख प्रवेश द्वार लिख लो, नौलखा दरवाजा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं अब आगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी? इसके महलों की। किसकी? इसके महलों की। इस दुर्ग के अंदर कौन कौन से महल हैं? कौन से दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में। लिखो प्रमुख महल।
प्रमुख महल। प्रमुख महल में लिखो हमीर कचहरी। एक पहला क्या है, हमीर कचहरी। हमीर कचहरी, ठीक है ना। यहां पर क्या होता था, हम जो राजा हमीर था, राणा हमीर, वो यहां पर क्या करता था, जनता का न्याय करता था। इस कारण इस महल का नाम क्या है, हमीर कचहरी, ठीक है ना। इसको हमीर चौकी भी कहते हैं, ठीक है ना, हमीर चौकी, हमीर चौकी। इस महल में ये क्या करता था, जनता का न्याय करता था। इस कारण इसे क्या कहते हैं, हमीर कचहरी या हमीर चौकी। और इसी जगह पर, इसी महल पे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, कौन सी चतुर्थी होती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी। कौन सी, गणेश चतुर्थी। और इस गणेश चतुर्थी को यहां पर क्या लगता है, मेला लगता है। क्या लगता है, मेला लगता है, ठीक है। कहां पर, हमीर कचहरी पे। और इसके अलावा रात्रि को क्या होता है, भजन संध्या होती है। रात्रि को क्या होती है, भजन संध्या, जागरण होता है या भजन संध्या होती है, भजन का कार्यक्रम होता है, ठीक है, भजन कार्यक्रम। कहां पर होता है, हमीर कचहरी पे, गणेश चतुर्थी को, ठीक है ना। आपको पता है गणेश चतुर्थी को यहां पर इसी रणथंबोर मेल के अंदर जो गजानन जी का मंदिर अभी आपको आगे पढ़ाएंगे तो वहां पर मेला भी पड़ता है। और जो ये हमीर कचहरी है यहां पर क्या होता है, भजन संध्या का प्रोग्राम होता है, ठीक है ना। मेला यहां से हटा देना, यहां मेला नहीं लगेगा आपका। मेला कहां लिखाएंगे आपको, जो गणेश जी का मंदिर आएगा यहां पर अभी उसमें, ठीक है। एक महल लिखो इसके अंदर, सुपारी महल। कौन सा, सुपारी महल। सुपारी महल भी कहा है, रणथंबोर के अंदर। यहां पर क्या है कि हमीर, जो राणा हमीर था, हमीर और उसकी पत्नी कौन थी, रंग देवी। कौन सी, कौन सी देवी, रंग देवी, ठीक है ना। हमीर और उसकी पत्नी कौन सी, रंग देवी। और उसकी जो पुत्री थी, इन दोनों की जो पुत्री थी कौन सी, पद्मला। क्या नाम था, पद्मला। ये सब यहां पर क्या करते थे, निवास निवास करते थे, ठीक है ना। पद्मला का दूसरा नाम था देवल दे। क्या नाम था, देवल दे, ठीक है। तो हमीर और उसकी पत्नी रंग देवी और पद्मला इसी सुपारी महल में क्या करते थे, निवास करते थे। यानी ये क्या था, राज परिवार का निवास स्थान था, राज परिवार का निवास स्थान। कौन सा महल था, सुपारी महल, लिख लेना, सुपारी महल में लिख लेना। यहां राणा हमीर, उसकी पत्नी रंगदेवी व पुत्री पद्मला, देवल दे, है ना, उसका पद्मला का दूसरा नाम है देवल दे, आदि निवास करते थे। यह राज परिवार का निवास स्थान था, लिख लो, यह राज परिवार का निवास स्थान था, ठीक है, लिख लिया, लिखो, ये राज परिवार का निवास स्थान था, हो गया। आगे चलते हैं, एक महल और है यहां पर, कौन सा, जोरा बोरा का महल। कौन सा है, जोरा बोरा का महल, लिखो। एक महल और है, कौन सा, जोरा बोरा का महल। इसको मैं मिटा देता हूं या फिर साइड में लिख देता हूं, इधर यहां लिख देता हूं। कौन सा महल है, जोरा बोरा महल। ये भी कहां है, रणथंबोर के अंदर ही। इसमें क्या होता था, इसके अंदर खाद्य सामग्री, क्या, खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री एवं अनाज रक्षित किया जाता था, ठीक है ना। खाद्य सामग्री एवं अनाज रक्षित किया जाता था, ठीक है, लिख लिया। ये इसके प्रमुख, प्रमुख क्या हो गए, महल हो गए। नेक्स्ट लिखो, इसको मिटा देते हैं, अगला टॉपिक।
अगला क्या है, एक इसमें लिखो कि इस दुर्ग में नौलखा जो दरवाजा मैंने अभी आपको बताया था मुख्य प्रवेश द्वार था, उससे प्रवेश करते ही क्या है 32 खंभों की क्या है, 32 खंभों की क्या है, एक छतरी है। किसकी छतरी है वो, 32 खंभों की छतरी है। और ये छतरी किसकी है, ये छतरी हमीर ने बनवाई थी किसके याद में, राणा हमीर ने बनवाई थी किसकी याद में, अपने पिता जैत्र सिंह की याद में। लिख लेना जैत्र सिंह की याद में, ठीक है, सही से लिख लेना। वापस लिख देता हूं मैं, राइटिंग थोड़ी सी बैठ नहीं रही है। राणा हमीर ने बनवाई थी, किसने बनवाई थी, राणा हमीर ने, अपने पिता जैत्र सिंह की याद में, अपने पिता जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह ने कितने साल तक शासन किया था यहां पर, 32 साल तक। और इसी कारण कितने खंभों की छतरी बनाई, 32 वर्ष के शासन की याद में, ठीक है ना। जैत्र सिंह ने 32 वर्ष तक क्या किया था, रणथंभौर पर शासन किया था, इसी कारण राणा हमीर ने उसकी याद में 32 खंभों क्या बनाई, छतरी बनाई थी, ठीक है, लिख लो। इस दुर्ग में 32 खंभों की छतरी है, यह छतरी अमीर ने अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्ष के शासन काल की याद में बनवाई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, अब चलते हैं इस दुर्ग के अंदर कितने साके हुए उसके ऊपर। इस दुर्ग में हम क्या करते हैं, अब साको की बात करते हैं। साके इसमें इस दुर्ग में कितने, वहां सिर्फ एक साका हुआ था। पहले मैं इसको मिटा देता हूं, 32 खंभों की छतरी आपने लिख ली। अब हम बात करते हैं किसकी, साकों की। इस दुर्ग में कितने साके हुए, एक साका हुआ सिर्फ, कितना हुआ, एक साका। लिखो इस दुर्ग में केवल एक साका हुआ था, कितना हुआ था, केवल एक साका हुआ था। और वो साका कब हुआ था वो साका, वो हुआ था अपना कब, जब हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के अंदर युद्ध हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी और इधर कौन था, अपना हमीर। उस समय क्या था, रणथंभौर का शासक था, ठीक है। और उस समय विजय कौन हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी, क्या हुआ था, विजय हुआ था। कौन विजय हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी। और इस समय केसरिया किसने किया था, केसरिया किया था राणा हमीर ने, किसने, हमीर ने। और जौहर किसने किया था, इसकी पत्नी क्या नाम था उसका, अभी मैंने आपको बताया था रंगदेवी, क्या नाम था, रंगदेवी, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो पत्नी, सॉरी इसकी पुत्री थी पद्मला, उसने क्या किया, इसकी जो पुत्री थी पद्मला उसने भी क्या किया, जौहर किया। और ये इन्होंने जो जौहर किया वो अग्नि में कूद के नहीं किया था, इसकी जो पत्नी रंगदेवी है और पद्मला ने जो जौहर किया था वो किस में किया था, जल में कूद कर किया था, किस में कूद के किया था, जल में। और जल किसका, एक तालाब था जिसका नाम भी क्या था, पद्मला तालाब, क्या नाम था, पद्मला तालाब। ये राजस्थान का एकमात्र क्या है, जल जौहर है, क्या है, एकमात्र जल जौहर है, लिख लेना। राजस्थान का एकमात्र जल जौहर है, ठीक है। जो रंगदेवी थी और इसके अलावा जो इसकी पुत्री थी राणा हमीर की, कौन सी, पद्मला, उन दोनों ने पद्मला तालाब के अंदर कूद करके जल जौहर कर लिया था, ठीक है। रास्ता का एकमात्र जल जौहर है, लिख लेना। और इस
जब राणा मीर ने केसरिया किया था तो साथ में सेनापति जो थे उनका नाम क्या था? एक था रणमल और एक था कौन? रतिपाल। क्या नाम था? रणमल और रतिपाल। दोनों ने क्या कर लिया था? साथ में वीरगति को क्या हो गए थे? प्राप्त हो गए थे। ठीक है, रणमल और रतिपाल ने। ठीक है, लिखो, इस दुर्ग में केवल एक शाखा हुआ। इस दुर्ग में केवल एक शाखा हुआ, अलाउद्दीन खिलजी और राणा हम्मीर के बीच इसमें युद्ध हुआ था। और उस समय अलाउद्दीन खिलजी क्या हुआ था? विजय हुआ था। क्या हुआ था? विजय हुआ था। ठीक है ना, हमीर ने क्या किया था? वीरगति को प्राप्त होकर केसरिया किया था और इसकी पत्नी रंगदेवी और उसकी पुत्री का नाम क्या था? पद्मला। इन्होंने जल जौहर किया था। ठीक है, और ये कब हुआ था? कब हुआ था ये? 1301 में। कब हुआ था? 1301 में, लिख लेना, 1301 में हुआ था। ठीक है, ये हो गया अपना क्या है? इसका जोहर, सॉरी साका। ठीक है, जो राजस्थान का एकमात्र जल जोहर था। आगे लिखो प्रमुख तालाब। नेक्स्ट अगला लिखो, इसी में लिखो प्रमुख तालाब। रणथंभौर के अंदर लिखना है प्रमुख तालाब। प्रमुख तालाब कौन कौन से प्रमुख तालाब? एक तो मैंने अभी आपको बताया था कौन सा, पद्मला या पद्म तालाब। पद्मला तालाब या पद्म तालाब, जहां पर इन्होंने जोहर किया था। ठीक है, इसके अलावा कौन सा है? रानीवाड़ा। कौन सा, क्या नाम है? रानीवाड़ा। ठीक है, इसके अलावा एक और कौन सा है? श्याम तालाब। कौन सा? श्याम तालाब, अरे श्याम सिंह वाला श्याम तालाब। किसने बनवाया था ये? श्याम सिंह ने बनवाया था श्याम तालाब। ठीक है, ये तीनों तालाब है, इसके लिख लो, ये श्याम सिंह ने बनवाया था। ठीक है, श्याम सिंह जो था ना यहाँ का शासक, उसने बनवाया था श्याम तालाब। लिख लो प्रमुख तालाब में तीनों लिख लो। आगे लिखो प्रमुख मंदिर। क्या लिखोगे? प्रमुख मंदिर। क्या लिखोगे? प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिरों में सबसे पहले लिखो कृष्ण मोहन मंदिर। कृष्ण मोहन मंदिर, पहला हो गया कृष्ण मोहन मंदिर। इसके अलावा दूसरा कौन सा है? साकंबरी मंदिर। ठीक है, इसके अलावा एक गणेश मंदिर। कौन सा गणेश? रणक भवर गणेश। कौन सा? रणत भवर, रणत भवर गणेश। ठीक है ना, या इस त्रिनेत्र गणेश। कौन सा गणेश? त्रिनेत्र गणेश, जहां गणेश चतुर्थी को क्या पड़ता है? मेला पड़ता। ठीक है ना, बहुत ही बड़ा मंदिर है गणेश जी का यहाँ पर रणथंभौर के अंदर। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है ये, लिख लेना, राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर, राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर है ना, राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर। दो के तो आप नाम लिख लो, ओनली कृष्ण मोहन मंदिर और साकंबरी मंदिर, गणेश मंदिर के अंदर लिख लो रणथंभौर गणेश या त्रिनेत्र गणेश भी कहते हैं इसे। राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर है ये।
और मेला कब लगता है यहां पर? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। कौन सी चतुर्थी? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी। आगे आपको मेले और त्योहार पढ़ाएंगे तब भी आपको बता देंगे। गणेश चतुर्थी ठीक है, क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। अच्छे से लिख लेना, आप पूरी लैंग्वेज लिखोगे, मैं मेन मेन टॉपिक लिख रहा हूं लेकिन आपको पूरी लैंग्वेज लिखनी है ठीक है। कि कैसे लिखोगे? गणेश मंदिर, रणक पवर गणेश और त्रिनेत्र गणेश भी कहते हैं, राजस्थान का यह सबसे बड़ा गणेश मंदिर है। यहां भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यानी गणेश चतुर्थी को क्या लगता है? मेला लगता है। आगे लिखो, अब पॉइंट लिखो कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके रह गए वो लिखा देता हूं ठीक है। एक तो लिखो इस दुर्ग को, जो इस दुर्ग की कुंजी है, लिखो इस दुर्ग की कुंजी, इस दुर्ग की कुंजी जैन दुर्ग को कहते हैं। किस कौन से दुर्ग को? जैन दुर्ग, जैन ठीक है, जैन दुर्ग को कहते हैं ठीक है। ठीक है, जैन दुर्ग को क्या कहते हैं? इसकी दुर्ग की कुंजी, जालौर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? सिंहवाणा को आगे लिखा देंगे आपको ठीक है ना। लेकिन रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी है वो किसे कहते हैं? जैन दुर्ग को कहते हैं ठीक है। आगे लिखो इस दुर्ग में कुत्ते की छत्री है, इस दुर्ग में क्या है? कुत्ते की छत्री। किसकी छत्री? कुत्ते की छत्री बनी हुई है ठीक है ना। इसके अलावा और क्या है इस दुर्ग में? क्या है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी है। किसकी है? पीर सदरुद्दीन। पीर सदरुद्दीन की क्या है? दरगाह है ठीक है ना। इसके अलावा लिखो इस दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर में क्या किया गया शामिल, आपको पता ही है ये तो, लिखने की क्या जरूरत है इसको ठीक है ना। लिखो यहां तक, जैन दुर्ग इस दुर्ग की क्या कहलाता है? कुंजी कहलाता है। लिख लिया, मिटा देता हूं इसको मैं। आगे लिखो प्रमुख कहावतें इस दुर्ग के बारे में, प्रमुख कहावतें। एक तो कौन सी है प्रमुख कहावत इसकी? अबुल फजल ने क्या कहा था इसके बारे में? अबुल फजल ने कहा था यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। क्या कहा था? यह दुर्ग बख्तरबंद है। और बाकी सब क्या है? नंगे हैं। क्या है? नंगे हैं। यानी इसके चारों ओर क्या है? प्रकोट है। इस वजह से कहा था कि दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है, यानी इसको जीतना भी बड़ा मुश्किल होता है ठीक है। और बाकी सब दुर्ग क्या है? नंगे हैं। इसके अलावा अमीर खुसरो जो था ठीक है ना, अमीर खुसरो ने क्या कहा था? अमीर खुसरो ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा था? कि आज कुप्पर का घर किसका हो गया? इस्लाम का हो गया। कब क्या कहा था? आज कुप्र का घर इस्लाम का हो गया। कुप्र क्या होता है? कट्टर जो हिंदू होता है उसे क्या कहते हैं? कुप्र कहते हैं ठीक है ना। तो कुप्र का घर किसका हो गया? इस्लाम का हो गया। कब कहा था ये कथन?
अमीर खुसरो ने जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को क्या किया था, जीता था 1301 के अंदर। 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था और जब 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीत लिया था तो अमीर खुसरो ने कहा था आज कुप्पर का घर किसका हो गया, इस्लाम का हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक कथन और भी फेमस है इसका, किसने कहा था, जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, क्या कहा था कि इस दुर्गों में, क्या कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं क्या नहीं समझता, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता, मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। नहीं समझता। ठीक है, कब कहा था ये, जब जलालुद्दीन खिलजी यहां से हार गया था। लिख लो तीनों, अबुल फजल ने कहा था ये दुर्ग क्या है, बख्तर बंद है, बाकी सब दुर्ग क्या है, नंगे हैं। इसके अलावा अमीर खुसरो ने कहा था कि ये दुर्ग, आज ये ऊपर का घर है वो किसका हो गया, इस्लाम का हो गया है। जलालुद्दीन ने क्या कहा था हारने के बाद में, कब क्या कहा था, अमीर के ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। ठीक है, इसके अलावा ये दुर्ग, इसमें अब कुछ बचा नहीं है, एक दो लिख लो आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स, मैं आपको बताता हूं एक दो, आपको पता होगा, एक दो इंपॉर्टेंट वर्ड आप लिख लो, एक होता अरोंदा, क्या होता है अरोंदा, अरोंदा, ठीक है सही से लिखता हूं मैं इसको, अरोंदा, अरोंदा क्या होता है, ठीक है, एक होता है मगरनी, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक होता है अरोंदा, एक होता है मगरनी। अरोंदा क्या होता है कि पत्थर फेंकने का होता है, क्या होता है, पत्थर फेंकने का एक ठीक है ना उपकरण होता है, पत्थर फेंकना क्या होता है उपकरण। जो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसका सेनापति नुसरत खान जो यहां पर मारा गया था ना, वो इसी अरोंदा से मारा गया था, इसे इसी अरोंदा से, नुसरत खान आपको पता ना, नुसरत खान इसका सेनापति था, इसका सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, और वो मारा गया था किसी से, अरोंदा से, जो पत्थर फेंका गया था उसी से मारा गया था। ठीक है, तो पत्थर फेंकने का एक उपकरण होता था जिसके अंदर डाल के पत्थर फेंका जाता था, उसे क्या कहते थे, अरोंदा। दूसरा मगरनी, मगरनी क्या होता है, कोई भी ज्वलनशील हथियार, ज्वलनशील हथियार जो है उनको फेंकने का उपकरण, जैसे उस समय क्या होता था, कपड़े के अंदर तेल वगैरह डाल के, केरोसिन डाल के, कुछ भी मतलब ज्वलनशील पदार्थ डाल करके कपड़े को जला करके सीधा सीधा किसके ऊपर फेंक दिया जाता था, विरोधी सेना के ऊपर फेंक दिया जाता था, तो जिससे वो फेंका जाता था उसे क्या कहते थे, मगरनी, क्या कहते थे, मगरनी। ठीक है, जैसे आजकल के टाइम में क्या पेट्रोल बम, पेट्रोल बम को जो फेंकने का कोई भी उपकरण होता है उससे हम क्या कह सकते हैं, मगरनी कह सकते हैं। उस समय पेट्रोल बम नहीं थे, लेकिन पेट्रोल बम की जगह कुछ और भी था। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, कौन सा दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग। ठीक है, आगे हम जो कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारा कौन सा दुर्ग, गागरोन, कौन सा, गागरोन दुर्ग, जो कहां पर है,
घाघरौन का दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में। कहाँ है? झालावाड़ के अंदर। उसको हम कल पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप नए हो हमारे चैनल पर, तो अगर आपको बाकी की जो वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल एग्जाम टास्क पे आपको जाना है, ठीक है। एग्जाम टास्क पे आपको क्या करना है? जाना है और उसके अंदर जाना है प्ले लिस्ट में। किस पे जाना है? प्ले लिस्ट पे। वहां पर आपको एक राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की प्ले लिस्ट दिखेगी, जिसके अंदर आपको जाना है और वहां से आप सारी वीडियोस देख सकते हो क्रम वाइज, ठीक है दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मिलेंगे ना, तो पढ़ेंगे घाघरौन झालावाड़ का।